हेलो गाइस, माय नेम इज अक्षय एंड वेलकम टू विजयास रेसिपीज। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है पनीर घी रोस्ट। सो पनीर घी रोस्ट मैं थोड़ा सा आरएनडी कर रहा था और मेरा तो बस वही है, सिर्फ इंट्रोडक्शन देना होता है और खाने का काम करना होता है जो मम्मी बनाती है। बट मैंने सोचा थोड़ा आरएनडी करता हूँ कि पनीर घी रोस्ट क्या है। बॉस, पनीर टिक्का सुना है, पनीर लबाबदार सुना है, पनीर वॉट नॉट सुना है, बट पनीर घी रोस्ट इज समथिंग जो कुंडापुर नाम की जगह है मैंगलोर में, वहां से ये ओरिजिनेट हुआ था। एंड क्या लगता है, सो बेसिकली दिस इज सर्व्ड एज अ स्टार्टर रेसिपी, बट इसको रोटीज, पराठाज या राइस के साथ खाने का मजा ही कुछ और है। घी पनीर रोस्ट फ्राइड आइटम मेरा फेवरेट ऑलरेडी बन चुका है। सो आज की रेसिपी पनीर घी रोस्ट है, विच टेस्ट अमेजिंग विद पराठाज। मैंने एक बार ऑलरेडी खाया है जब मम्मी ने एक्सपेरिमेंटिंग स्टेज पर बनाया था, एंड आई रिक्वेस्टेड कि प्लीज इसका रेसिपी वीडियो बनाओ, एंड I'm gonna love it. Everyone's gonna love it. And if you like today's recipe, please like, share, and subscribe to our channel Vijayas Recipes. And please hit the bell icon so that you get all the notifications as soon as we upload the videos. Let's make today's recipe, guys. पनीर घी रोस्ट बनाने के लिए हम पहले एक मसाला प्रिपेयर करेंगे। हमने गैस ऑन कर लिया है। पैन में डालेंगे 5 से 6 पेट की मिर्ची और ये ड्राई रेड चिलीज 5 से 6 इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। हम यहाँ बेडगी मिर्ची और कश्मीरी लाल मिर्च लिया है। 2-3 मिनट ड्राई रोस्ट करने के बाद हम ये रेड चिलीज को प्लेट में निकाल देंगे। उसी पैन में डालेंगे हम 1 टीस्पून धनिया, कोरिएंडर सीड्स, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ, फेनल सीड्स, 5 से 6 लौंग और 5 से 6 काली मिर्च। लास्ट में हम डालेंगे 1/2 टीस्पून मेथी सीड्स। ये जल्दी फ्राई हो जाता है इसलिए हम इसे लास्ट में डालेंगे। दो मिनट फ्राई करने के बाद हम इसे भी प्लेट में निकाल देंगे। इसी पैन में डालेंगे हम 2 टेबलस्पून घी, 300 ग्राम्स पनीर लिया है, इसे हमने बड़े टुकड़ों में काट लिया है। पनीर को हम ये घी में फ्राई करेंगे। जब तक ये पनीर फ्राई होता है हम एक मसाला ग्राइंड कर लेंगे। ये हमने जो ड्राई रोस्ट किया है ये सारे इंग्रेडिएंट्स, इसमें हम 8 से 10 लहसुन डालेंगे, 1 इंच जिंजर चॉप्ड, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे वेट ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लेंगे। पनीर को हम दोनों तरफ फ्लिप करते हुए फ्राई करेंगे। जो पनीर फ्राई हो गए हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। हमने सारे पनीर के पीसेस को दोनों तरफ फ्लिप करते हुए फ्राई कर लिया है, इसे प्लेट में निकाल लिया है। इसी पैन में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, ये ऑप्शनल है, आप सिर्फ घी में भी बना सकते हैं। इसमें हम डालेंगे ये 1 चॉप्ड अनियन, 1 अनियन फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टमाटर, ये ऑप्शनल है, आप बिना टमाटर के भी बना सकते हैं। इसमें डालेंगे हम 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक,
जो हमने बाकी इंग्रेडिएंट ड्राई रोस्ट करके और ड्राई रेड चिली से सब बनाया था। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून कर्ड, इसे हमने अच्छी तरह से विस्क कर लिया है, ये ऑप्शनल है। हमें सॉल्ट कम लग रहा है इसलिए हमने 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। हमारे मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 8 से 10 करी लीव्स, मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये फ्राई किए हुए पनीर के पीसेस। हमने 2 मिनट फ्राई कर लिया है, हमारा ये पनीर घी रोस्ट तैयार है। गैस ऑफ कर देते हैं और इसे बाउल में सर्व कर लें। हमारा ये पनीर घी रोस्ट तैयार है, ये रोटी नान पराठों के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है।